ना देकर केजरीवाल ने ऊपर रखा निजी हित। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई। देखिए, अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रहित से ऊपर निजी हित रखा है। अदालत ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है। शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था और तब से लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने हुए हैं। भले ही जेल में है लेकिन इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। अब देखिए हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। देखिए, ये ना सिर्फ टिप्पणी है बल्कि आप समझिए, जब कोर्ट इस तरह का संज्ञान लेता है वो कहीं ना कहीं सरकारों को चेतावनी भी मोनिका देता है। देखिए, साफ तौर पर कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार की रुचि केवल सत्ता में है। MCG स्कूलों में किताबें नहीं हैं, वर्दी नहीं मिलने पर सरकार व निगम को भी यहाँ पर फटकार लगाई गई है। मेयर चाहेंगी उनके बच्चे ऐसी जगह पढ़े जहाँ मेज टूटी हो, ये भी उन्होंने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए पूछा है। मेयर पर सवाल दागे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, किताबों दवाओं के वितरण से संबंधित कई परियोजनाएं बेशक रुकी हुई हैं। हाईकोर्ट पीठ ने सवाल किया कि क्या आपके पास दिल नहीं है? क्या आपके बच्चों के लिए कुछ महसूस नहीं करते? हमें नहीं लगता कि इसमें से कुछ भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ घड़ियाली आंसू आप बहा रहे हैं। अदालत ने पूछा कि डेस्क और कुर्सियां टूटी हुई हैं, क्या कोई चाहेगा कि उसके बच्चे इस तरह पढ़ें? दिल्ली सरकार को आम आदमी की परवाह नहीं है, ये भी टिप्पणी में कहा। देखिए, मोनिका भी इस खबर को तरजीह दे रही है, दिखा रही है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है। मोनिका, वाकई में नेतृत्व करने वालों को उदार रहना होगा। देखिए, यहाँ पर जब कोर्ट मोनिका कोई बात इस तरह की कहता है, वह भी उस गवर्नमेंट को जिसका खुद का संयोजक किसी एक मामले में जेल में बंद है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने भी यही कहा था कि भाई आप जेल में बंद है तो आप अपनी सत्ता को स्थानांतरित कर दीजिए, आप किसी और को सीएम बना दीजिए, कम से कम जो रुके हुए काम है उस पर काम तो हो पाए। लेकिन आप जेल में रहते सरकार को कैसे चला लेंगे ये बताइए आप। निश्चित तौर पर देखिए, इसी को लेकर लगातार विपक्ष पे हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है, प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं, मामला अदालत में भी गया है। हालांकि देखिए, इससे पहले अदालत ने कहा कि हमारे हस्तक्षेप का मामला नहीं है, लेकिन नैतिकता के आधार पर आपको ये सोचने समझने की जरूरत है। अगर आप जेल में है और अगर आपकी जो जनता है वो सफर कर रही है तो आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं? बावजूद इसके लगातार अरविंद केजरीवाल अपने पद पर आसीन हैं और दिल्ली में जो तमाम विधायक हैं वो एकजुट हैं इस बात को लेकर और कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। चलिए, पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रहेंगे समझ में आता है, लेकिन दिल्ली सरकार के आप मुख्यमंत्री हैं और अगर आप जेल में रहेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, लगातार कार्रवाई कैसे होगी? और लगातार इस मामले पर दिल्ली सरकार में मंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे, ये भी अदालत की तरफ से कहा गया, और इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश लगातार की जा रही है। जनता कहीं ना कहीं इस बीच सफर करती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, देखिए कि कैसे संभव होगा आप बताइए, क्योंकि एक काम मुख्यमंत्री के पास नहीं होता। इसे बहुत आसान शब्दों में आप समझ पाइए, कैसे होगा कि तमाम मंत्रियां आप तमाम जो मंत्री वो आपसे मिल पाए? क्या मिनिस्टर्स आपसे रेगुलर मीटिंग कर सकते हैं? क्योंकि उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक तरीका होता है। यदि आप जेल में जाते हैं तो आप हर संभव उनसे मदद नहीं मांग सकते, हर संभव उनसे परमिशन नहीं मांग सकते, किसी बात को पूछ नहीं सकते, तो एक तरीका होता है, उसी तरीके से बिल्कुल एक पर्टिकुलर वक्त होता है। हालांकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने अपने वकील से मिलने का समय बढ़ाने की मांग की थी, अपने परिजनों से मिलने के समय की मांग की थी कि उनका समय की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि आपको एवन क्वालिटी यानी कि एवन लेवल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो सकती है। यदि आप पे मामला दर्ज है, चल रहा है, तो आपको उसी तरीके से जेल में रहना होगा, समझना होगा। अब देखिए, यहाँ पे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जब हाई कोर्ट सीधे सीधे आपके मुंह पे कह दे कि आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आपको जनता से, दिल्ली की जनता से आपको कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि ऐसे कितने ही काम हैं जो अधर में अटके हुए हैं, क्या आप उनके बारे में नहीं सोचते? तो जिस जनता की बात की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता के साथ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लगातार उनके हित की बात की जाएगी, ये बड़ी बात हो जाती है कि ये सब आप सोच रहे हैं या सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पद पर आसीन हैं और सफर करना पड़ रहा है दिल्ली सरकार को। और जिस दिल्ली मॉडल की बात की जा रही है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बेहतर हो गए हैं, अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल बेहतर हो गए तो अब उन्हें अगर कॉपी किताब नहीं मिलेगी और अगर अव्यवस्था फैली रहेगी तो सवाल जाहिर तौर पर दिल्ली की जो कार्यशैली है दिल्ली सरकार की, जाहिर तौर पर सवाल तो उस पर उठते ही है। देखिए, अदालत की शक्ति व क्षमताओं को न आके कम, पीठ ने ये भी कह दिया। देखिए, अभी ये भी बोला, सरकार से ये भी कहा कि वह न्यायिक आदेश पारित करने की अदालत की हिम्मत शक्ति क्षमता को कम ना आंकें
और ये तुरंत मुद्दों को निपटान करें। बच्चों के पास नोटबुक नहीं है, बच्चों के पास नोटपैड नहीं है, किताबें नहीं है, वर्दी नहीं है, टिन शेड में पढ़ाई कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, आपको याद होगा मोनिका अन्ना हजारे ने भी कहा था, जब किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए थे, उन्होंने कहा था ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो शराब का विरोध करते थे और आज ये शर्म की बात है कि शराब नीति को लेकर, उस मामले को लेकर, उस घोटाले को लेकर वो आज सजा काट रहे हैं, यानी कि जेल में बंद हैं। और अब देखिए कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़ा होना लाजमी है। ये दोहरी चुनौती मोनिका अरविंद केजरीवाल के लिए होने वाली है, चूंकि एक तो जेल से बाहर आना, दूसरा अपनी छवि को पाक साफ भी करना होगा, जनता के बीच आप क्या छवि लेकर जाएंगे। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग बात ये जो मैंने अभी हेडलाइन आपको दिखाई, ये दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ ठप हो गया है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जल्द बेल दी जाए, इस पर जल्द सुनवाई हो। देखिए बीजेपी की बल्ले बल्ले है, बीजेपी लगातार इसमें दबाव बना ही रही थी। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।